क्या है करोड़ों रुपए का कौशल विकास घोटाला, जिसके आरोप में गिरफ्तार हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू पर हैं ये आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने उन्हें सुबह करीब 6 बजे करोड़ों रुपए के आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद कई टीडीपी नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में आंध्र प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। तेलुगु देशम पार्टी शासन के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में 3300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जाँच शुरू हुई थी। उस समय चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य कौशल विकास योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को बड़े उद्योगों में काम करने के लिए प्रशिक्षण देने थे, जिसके लिए 6 कल सेंटर बनाए गए थे। इस योजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे और प्रशिक्षण देने वाली कंपनी का नाम सीमेंस था। उस समय चंद्रबाबू ने कहा था कि सरकार इस योजना के तहत कुल खर्च का 10% खर्च करेगी, बाकी बचा 90% का खर्च प्रशिक्षण देने वाली कंपनी सीमेंस को देगी। इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर सेल कंपनी बनाकर पैसे ट्रांसफर करने और उससे संबंधित दस्तावेज नष्ट करने के आरोप हैं। आरोप के मुताबिक तत्कालीन सरकार ने इस योजना के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपए कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए। इसके साथ ही जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। इस योजना के टेंडर के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का भी आरोप है। यह भी आरोप है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।